उमर खालिद दिल्ली में दंगे भड़काने के आरोप में अरेस्ट है। कोर्ट ने हजार दिनों से इसे बेल नहीं दी है, तो कुछ सोच के नहीं दी होगी। लेकिन इस अलेजेड टेररिस्ट को एक्टिविस्ट मानने वाले लोग कहते हैं हाँ कितना बुरा किया कोर्ट ने। फिर इसके लिए सिंपति बटोरने के लिए सृष्टि जसवाल को बुलाया गया। कौन सृष्टि? ओ ये है हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्टर कृष्ण भगवान को गाली देने वाली, जिसे हिंदुस्तान टाइम्स ने हिंदूफोबिक होने के कारण निकाल दिया था। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा आओ बहन सिंपति बटोरते हैं। लिखा गया उमर खालिद के प्यार में पढ़कर कैसा लगता है, और ना जाने इसे पढ़कर लोग TOI के आगे LET क्यों लगाने लग गए। तो इस आर्टिकल से उमर खालिद को ह्यूमनाइज कर दिया गया। लड़कियों के तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। हाय दैया कैसे रहती होगी बेचारी अपने पिया के बिन। पर ये पुरानी स्ट्रेटेजी है टेररिस्ट को ह्यूमनाइज करने की। टेररिस्ट यासिन मलिक, जिसे कोर्ट ने आजीवन कारावास भेजा, उसके स्ट्रगल की कहानी हिंदुस्तान टाइम्स ने अभी थोड़े दिन पहले ही सुनाई है। जाकिर मूसा फैशनेबल यंग बॉय, पुलवामा बॉम्बर आदिल शरीफ बच्चा, पर उसे आर्मी ने पीटा तो बन गया टेररिस्ट। लादेन तक के लिए ऐसे आर्टिकल्स लिखे गए हैं मानव दिखाने के लिए।